नमस्कार, मैं अमित वांद्रे, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। देश में हो हल्ला हो रहा है कि देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता परेशान है, आमदनी कम है लेकिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। लेकिन शायद देश की जनता मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक को अब तक नहीं समझ पाई है। मोदी जी पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि देश की जनता सेहतमंद रहे। आप कह रहे होंगे कि क्या मूर्ख वाली बात कर रहे हो, लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हम सच कह रहे हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट, और हाँ, पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही अपनी राय रखें, ये अपील है। देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और देश की जनता चुपचाप इस बोझ को ढो रही है। ढोना भी पड़ेगा क्योंकि देश के लाडले प्रधानमंत्री ने अगर पेट्रोल के दाम बढ़ाए होंगे तो कुछ सोच समझकर ही बढ़ाए होंगे। विरोधक चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मोदी जी जो करते हैं उसके पीछे उनकी गहन विचार शक्ति होती है। अब विरोधकों को कहां पता होगा कि मोदी जी देश को प्रदूषण मुक्त करने की सोच रहे होंगे। विरोधकों को तो सिर्फ विरोध करना आता है, लेकिन मोदी जी की लीला आप इतने आसानी से नहीं समझ पाएंगे। अगर मोदी जी पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाते तो लोग आसानी से अपने वाहन का इस्तेमाल कम नहीं करते। वाहन का इस्तेमाल कम नहीं होता तो देश में प्रदूषण कैसा कम होता, और अगर बढ़ते प्रदूषण से किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती तो लोग फिर कहते कि देश में कितना प्रदूषण है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रही है और ऐसे में दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी है। इसलिए आपको और अपने दुनिया को बचाने के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाना मोदी जी की एक पहल है। केंद्र में मोदी जी 1 लीटर पेट्रोल के पीछे तकरीबन 33 रुपए टैक्स ले रही है, तो राज्य भी 24 से लेकर 30 रुपए तक 1 लीटर पेट्रोल पर टैक्स के रूप में कमा रही है। मोदी जी का साथ ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए राज्य भी पूरी तरह दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ मोदी जी लोगों को साइकिल और पैदल चलाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक साइकिलिंग और पैदल चलने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन देश की जनता है जो डॉक्टर की सुनती ही नहीं। इसलिए भी शायद मोदी जी ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए होंगे और देश की जनता को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे होंगे कि मेरे भाइयों और बहनों, गाड़ियां छोड़ो और साइकिल पर आ जाओ। देश के जनता के सेहत के लिए प्रधानमंत्री जी को कितना सोचना पड़ रहा है, लेकिन जनता है कि उनके विरोध में बात कर रही है। बताओ जरा, इस महाशय को सुनिए, ये महाशय मोदी जी को हाथ जोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या बात करना, एक तो साला पहले एक तो पेमेंट है हमारा 5,000, 5,000 में से महीने का 3,000 रुपये पेट्रोल को ही लगता। अच्छी खासी मार के रखी है पूरी सरकार ने। अब किसको क्या बोलना क्या नहीं समझ में नहीं आता। हमारी तो इच्छा है कि किसी को कंप्लेन आके करे कि भैया पेट्रोल के दाम क्यों इतने बढ़ाए हैं, क्या है, क्यों नहीं है, लेकिन लोग कुछ बोलते ही नहीं। जय मोदी सरकार, धन्यवाद। मैं उनसे बहुत बड़े हाथ जोड़ता हूँ भैया कि इस बार आए, अगली बार तो गलती से भी मत आना। बहुत हो गया उनका नाटक भैया, चले जाओ, हाथ जोड़ता हूँ मैं। अब मेरे पास पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं है, 50 रुपये का पेट्रोल भरा, अभी पता नहीं यहाँ से घर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। ठीक है भाऊ, मैं एवडज बोलतो। त्रास तो असा होता है कि एक गाड़ी म्हणजे एक बायकोसारखीच गोष्ट झाली, जे डिमांडेबल आहे। कधी पण आपण घराच्या बाहेर निघत आहोत, आपल्याला गाडीमध्ये आधी पेट्रोल निघा, ऑफिससाठी निघत आहोत पेट्रोल भरा, पैसे तर एवढं कमाई नाही। आता लॉकडाऊन लागलं होतं, 2 महिने घरीच राहा लागलं होतं, कसं करून ॲडजस्टमेंट आता चालू झालं, त्यामध्ये आणखी लॉकडाऊन लागत आहे, पेट्रोल तर असं वाढत आहे जसं काही पाणी आहे। एक टाईम असं होणार आहे की पेट्रोल भेटणार की नाही भेटणार। मोदीजी आधी म्हणत होते की पेट्रोल ऐसा होईल जसा होईल, पण आजपर्यंत काही झालं नाही आहे, उलटवालच चाललं आहे। सरकारला दोष देण्यामागं हे जे येणार आहे की दोष देऊ कितपर्यंत आणि ते ऐकणार कितीपर्यंत आहे, असं तर खूप जणांनी म्हटलं होतं। ते रामदेव बाबा आता कुठे गेले तर माहीत नाही, स्वतःचा बिझनेस एवढा मोठा करून ठेवत आहे की हर्टेक आणि पतंजली जेव्हा पाहिजे तेव्हा पतंजलीची गोष्ट होत आहे। बिझनेसच्या ठिकाणी होतं। मोदी साहेब हमेशा म्हणत होते की नाही पेट्रोल कमी होणार, तर रामदेव बाबा त्याच्यात 40 रुपये लिटर देणार होता, आता 40 कुठं, 100 कुठं, 40 कुठं आहे, पकडून आणायला लागते त्याला आता, नाही तर मारायला लागते, त्याच गोष्टीसाठी करायला लागणार आता काय का नाही तर। का पेट्रोलचे भाव वाढले, सामान्य जनताकडे लक्ष नाही आहे त्यांचं। एक वेळा चुकी झाली जनताकडून, दुसऱ्यांदा पण चुकी झाली। चुकी नाही म्हणता येणार, त्यांना आपण चान्स दिला, त्यांना संधी दिली, पण त्यांनी सामान्य जनतेचा विचार काही केला नाही। चांगले दिवस म्हणता म्हणता लोकांची त्यांनी मारून टाकली। आता हे चांगले दिवस बघण्यासाठी आता आम्हाला जिवंत ठेवलं आहे का, फक्त एवढंच म्हणणं आहे। आणि असे चांगले दिवस असे असणार तर मी त्याच्यापेक्षा जगूनच काय उपयोग। देश की जनता है ना, मोदी जी को समझ नहीं पा रही है। आज के तारीख में पेट्रोल का आंतरराष्ट्रीय प्रति बैरल की कीमत $72.91 है। कांग्रेस के जमाने में $125 प्रति बैरल हुआ करता था। कांग्रेस चाहती तो देश को तभी प्रदूषण मुक्त कर लेती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद नेहरू जी की गलती हो,
कांग्रेस का छोड़िए, मोदी जी को देश की जनता की फिक्र इतनी है कि उन्होंने सस्ते मिल रहे पेट्रोल पर भी टैक्स बढ़ा रखा है। यह उन्होंने खुद के लिए थोड़ी किया है, ये तो जनता के सेहत के लिए किया है। लेकिन जनता नहीं समझती ना साहब, जनता को सिर्फ अपना ही दिखता है, देश और दुनिया के बारे में किसी को सोचना ही नहीं है। लेकिन मोदी जी वैसा नहीं, मोदी जी देश के बारे में भी सोच रहे हैं और दुनिया के बारे में भी। कायचा गर्व फील होणार तुम्ही सांगा ना बाबा, तुम्ही सांगा आता कसा गर्व फील होणार। आता थे आमच्या जेबातून पैसे म्हणजे देणार म्हणजे 104 रुपये कमी झाले, आता नाही म्हणता म्हणता 100 होता 100 वरून 104 रुपये झालेला आहे। आता माणसांना करावं काय, एक तर सायकल काढावं नाही तर पैदल जावं, हे जे हे एक रास्ता आहे। सायकलचे हवा भरायला 2 रुपये लागतात, इथे 104 रुपये लागतात, मग आता करावं तर करावं काय, पण कधी करणार ते कधी कधी येणार, माझे चांगले दिवस येणार आहे म्हणून लोकांना सांगितले, खूप चांगले दिवस येऊन राहिले, बघून नाही लोक किती बिचारे लोक गरीब लोक कसे इकडे तिकडे फिरून राहिले, काय सांगावं यांना तुम्ही सांगा। टॅक्स आहे ना, गाडी चालवला तर रोडचा टॅक्स घेताच आहे, त्याला म्हणतो ते त्याला काय म्हणतात, हां इन्शुरन्सचे टॅक्स भरलाच पडते ना, ते टॅक्स झाला आणि दुसरा टॅक्स आहे पेट्रोलच्या, 104 रुपये पेट्रोल झालेलं, मग नंतर माणसानं करावं काय। मोदी सरकारनं हेच म्हणणं आहे का तुम्ही जेवढ्याच्या जेवढ्या लवकर कमी होणार तेवढा करा, माझ्यासाठी नाही तर जगासाठी करा, हेच महत्त्व आहे। तर काय करणार मग, नाही यार मी आपण काय करणार त्यासाठी, लेकिन केलं पाहिजे क्या करते। 104 रुपये लिटर पेट्रोल हो गया, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, घर का मेंटेनेंस बिगड़ गया हमारे, हर चीज़ महंगाई बढ़ गई, तेल देखो तो 160 रुपये किलो है सोयाबीन तेल, सरकार के मारे हम परेशान हैं, अब क्या करना उसके लिए, मजबूरी है। नहीं नहीं सरकार की मदद तो इस बार तो करना ही नहीं है बिल्कुल, ये सरकार को तो गिराना ही है कुछ भी हो, ये सरकार को गिराना है, हम बहुत परेशान हो गए, अच्छे दिन आने वाले थे, इतने बुरे दिन आ गए कि किसकी हद नहीं, कि हमारा घर का मेंटेनेंस ऐसा बिगड़ गया कि आत्महत्या करने की नौबत आ रही है, इसी बात है। अभी मैं दिसंबर से खाली पीली था, अभी 1 महीना हुआ मेरे को ड्यूटी लगी है, तो थोड़ा सा बड़ी मुश्किल हो रही है, तो भी पेमेंट पानी भी लोग बहुत कम दे रहे हैं, जा 12,000 मिलना वहाँ 8,000 में करो 7,000 में करो, ऐसी पोजीशन भी चल रही है। नहीं मोदी सरकार उसके ऊपर भी कुछ भी नहीं कर रही है। जनता को पेट्रोल के दाम बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता को ये नहीं समझ रहा कि कोरोना के लिए वैक्सीन भी तो मोदी जी फ्री में दे रहे हैं। हाँ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांटने के बाद ही क्यों ना मिले, लेकिन वैक्सीन तो फ्री में ही मिल रही है ना। खूप त्रास येत आहे आता, तर एवढे पेट्रोल वाढून पैसे वाढून आले, सवारी पैसे देत नाही, बार्गेनिंग करतात 10 रुपये 15 रुपये, रेट वाढवत वाढत नाही म्हणते सवारीचे, आता काय करायचं, हे एवढे चांगले दिवस आले आहे, आता कोणाला सांगायचं एवढे चांगले दिवस, ठीक आहे ना, याच्यात काय बोलायचं असं जास्त कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने अपना एक जरिया बना लिया है कि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन कैसा करना, और ये सबसे आम बात है कि सबको पेट्रोल की ज़रूरत है, सबको पेट्रोल भराना पड़ता है, तो सरकार को इससे टैक्स मिलता है, बाकी की सरकार अपनी योजनाएं चलाएगी कैसे, उसको वसूली का यही धंधा दिखता है, यही है। और इस पर आम आदमी की कमर कस रही है, जो पहले मेरा रनिंग था वो रनिंग मेरा 50% से कम हो गया, क्या करेंगे, पेट्रोल भराना जरूरी है, मजबूरी है। नहीं नहीं कोई गर्व नहीं फेल होता है, दुख होता है, ऐसा है। टैक्स कलेक्शन के और भी जरिए हैं ना, ये तो नेसेसिटी है, नेसेसरी कमोडिटी में डालना चाहिए इसको, और इसको इस पर वैट लगाना चाहिए सरकार ने, ऐसा है। बहुत परेशानी हो रही है, हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को ही सब चीज़ झेलना पड़ रहा है और कुछ नहीं, हर पेट्रोल के नहीं हर चीज़ के रेट बढ़ गए, और अभी लॉकडाउन के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, और लॉकडाउन में पहले ही सबका इनकम कम हो गया है, और रेट बढ़ाएंगे तो कैसा चलेगा। सरकार के पास बहुत पैसा है, ये तो सब फालतू की बात है, जापान चाइना घूमने के लिए पैसा है क्या सर का, अभी अभी पेमेंट तो ऐसे मिल रहे, गाड़ी को देखो या फैमिली को देखो ऐसा लग रहा है, एक अभी जो जो पेमेंट है उसका आधा तो पेट्रोल में चल जा रहा है, और तभी भी मोदी साहब ने नमस्कार बोलते सब अच्छा चल रहा है, सब पैसा है, अगर पूरा पॉलिटिशियन को एक साथ खड़ा करे तो एक कतार समान एक देश बन सकता है, इतना पैसा है पॉलिटिशियन वालों के पास, पर बताते नहीं, तभी उन्हें बोलते कि हम सच्चे हैं। लग रहा कि आप टैक्स देके सरकार का एक योद्धा, सरकार के लिए योद्धा के लिए काम कर रहे हो, ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना, बोले तो एक टाइम में 50 रुपये तक नया पेट्रोल था, तभी भी एक नया टैक्स लगता था, अभी नया 100 के ऊपर चल जाए, खाएंगे क्या कि डालेंगे क्या, इतना टैक्स लग रहा है। आप देखो सरकार की मदद कर रहे हो, ये चीज़ की मदद बोले तो कैसा है, पूरे लॉकडाउन में हमारी मदद कर रहे हैं क्या सर, देखे जाए तो आज ने भूखे पैसे क्या है क्या नहीं, तभी भी नहीं बस उनको मालूम है, घर घर आके देखिए, अगर पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ के भाव बढ़ रहे, खाने के तेल के भाव बढ़ गए,
नहीं जम रहा, हटाओ मोदी तो मैं बहुत अच्छे दिन आ रहे बोलना मोदी जी को, आगे आन दो बोलना इलेक्शन आपके भी अच्छे दिन आएंगे बोलना, आगे आन दो बोलना इलेक्शन आपके भी अच्छे दिन आएंगे बोलना। कितने क्रोधित लोग है ये, शायद 104 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाने के बाद क्रोधित हो गए होंगे। हो सकता है सैलरी का आधा भाग पेट्रोल में जाने से क्रोध आया होगा। लेकिन ये लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ाना मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। इस मास्टर स्ट्रोक से मोदी जी देश के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाएंगे और तो और आपको सेहतमंद भी बनाएंगे। इतने विचारशील, ज्ञानी, कर्मठ, कर्तव्य दक्ष, हार्ड वर्किंग और विद्वान व्यक्ति जब कुछ सोच रहे होंगे तो अच्छा ही सोच रहे होंगे, वरना नेहरू जी ने देश को दिया ही क्या है, जरा सा विकास ही तो किया है, लेकिन जनता के सेहत और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। सोचते भी क्यों, उन्हें जनता की पड़ी ही कहा थी। खैर छोड़िए, अगर आपको पेट्रोल के दाम पर मोदी जी का कोई विरोध करता दिखाई दे तो उन्हें समझाइए कि मोदी जी अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, बल्कि देश के लिए कर रहे हैं, देश के सेहत के लिए कर रहे हैं, दुनिया को बचाने के लिए शायद पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये गुस्ताखी लगी हो तो गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, लेकिन जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। महाराष्ट्र 24 के लिए आप देख रहे थे अमित वांद्रे की रिपोर्ट।